There's a hope that's waiting for you in the dark. Hey guys, good morning. कैसे हैं आप लोग? तो मेरे चेहरे पे पिंक पिंक लग रहा होगा, एक्चुअली मैंने मास्क लगाया हुआ, अभी सूख भी गया है, तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। किरण सब्जी के लिए कोफ्ता बनाई है और मुझको खाने को भी आ गया और खुद भी आके बैठ गई है, तो मैं खा नहीं रही हूँ। मोबाइल में भी कुछ नहीं है, मैं कुछ पैसे तो ऑर्डर कर रही है। हमारे घर में हमेशा पैसे खर्चे करने का काम ही चलता रहता है। नहीं यार, यार इतना पैसे नहीं खर्चा करते भाई, थोड़ा सा कंजूस बनते हैं। अरे मैं दही मंगवा रही हूँ, कल फिर मुझे बोलना मत कि मेरी रेसिपी के लिए दही नहीं है, अचार नहीं है, लहसुन नहीं है, अदरक नहीं है, क्या क्या बोलते हो फिर सुना देते हो। एक दही के लिए कितना सुनना पड़ता है फिर आपसे? आपके चक्कर में ग्रेटेड कोकोनट खत्म हो गया, अब मैं मोदक कैसे बनाऊंगी? देखो, नाम दिया गया दही का और ऑर्डर किया जा रहा था मोदक के लिए आड़ में उसके, और जो इसने बोला कि मुझे प्लेस भी नहीं करना पड़ा, मनी पैसा डालना भी नहीं पड़ा, क्योंकि उतना सफिशिएंट था ग्रेटेड कोकोनट डालते ही। तो ऑर्डर लिया ग्रेटेड कोकोनट और जितना भी बोला गया कि मैं बोलता हूँ सब झूठ है, एकदम सरासर झूठ है। ओ, पेंटिंग कर रही है निका, कुछ न कुछ ऐसे करती, क्या बना रहे हो? देखो, ओ गणपति जी, ओ वेरी नाइस, परसों गणपति है इसलिए। हाँ। कलर नहीं भरोगी इसमें? कलर भरना कैसे करूँगी, मतलब अच्छा तो दिख रहा है कलर, अच्छा दिख रहा है, बट कलर डालोगी तो बहुत अच्छा दिखेगा। कलर में डालती है ना तो बहुत वैसा आ जाता है। वैसा क्यों आ जाता? कलर भर इसके टेबल पे ये सब कुछ कुछ ये मेरी सारी ये भी देखो, सुबह दो बादाम खाने दिया था और क्लास कर में लेके आई और इसके नीचे छुपाई थी, ऐसे ऐसे हमको जैसे पता ही ना चले। वो तो मैंने इसको ऐसे पलटा तो ऐसे दिखा, इतने सारे और ये पहले कभी मैं यहाँ पे बैठता था, आपको याद होगा तो पुराने ब्लॉग देखेंगे तो, अब वो जगह अनिका ने ले ली है। आप मेरा सारा जगह ले लेते थे और मेरे को जगह ही नहीं मिलता था, ये जगह एटलीस्ट मेरा है ना, तो अपने रूम से इसने हमको भगा दिया है। हाँ, क्योंकि मेरे मतलब सारे सामान नहीं आ पाते थे, जगह छीन लिया जाता था मेरे कमरे में। ऐसे ही होता बेटा, अपना अपना अभी से करने लगते हैं, जब हम बुढ़े होंगे तो बोलोगे घर में हमारे जगह नहीं है, है ना? ऐसा नहीं करते। अरे तो लेकिन पूरा जगह ले लिया जाता है गाइस, पता है पापा कहते थे इतना सारा जगह लिया और इतना ज्यादा जगह ले लेते थे, और आदमी कहाँ रखेगा अपना सामान, ये सब देखो, सब सामान मैं अपना अच्छे से रख पाती हूँ। जब तुम हमारे बेड पे सोती हो तो हम बोलते हैं क्या तुमने हमारा जगह ले लिया? बोलते हैं क्या? अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है? पूरी तरह से ठीक हो गई हो? हाँ, मैं एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ, एकदम मस्त हूँ। बस मेरा ये हाथ ना एक तो काला हो गया है और ना ऐसे लग रहा है किसी ने मुझे भुक्के भुक्के मारे है, और अगर यहाँ पर हाथ भी लग जाता है ना तो मेरे को वो फील हो जाता है कि यार मुझे वो मुक्का मार बोलते है ना, वैसा लग जाता है। मैं मार नहीं सकता इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं, हम सबका ब्लॉग जो भी है मेरा नहीं है, सिंह फैमिली का, मेरा तो राज पापा दी ढाबा है। अच्छा, आपका भी वैक्सीन आने वाला है? मेरा तो हो गया, जैसे अभी मेरे को कुछ ना होगा। क्यों, आपको क्यों नहीं होएगा? नहीं होता मेरे को ऐसा। क्यों क्यों नहीं? चलो अच्छी बात है, मेरे को ऐसा होता नहीं, हम लोग को ये सारी चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा। मेरे को होता नहीं ये सब, मेरे चक्कर में आपको काफी सारी चीजें झेलनी पड़ी थी, मेरा शरीर ये सब दवाइयों के लिए। और आज के बाद हम लोग नॉन वेज करीब डेढ़ महीने नहीं खा पाएंगे, क्योंकि कल है हरितालिका, फिर परसों है गणपति, उसके बाद गणपति में हम 10 दिन खाते नहीं, उसके बाद आ जाएगा श्राद्ध, श्राद्ध में हम खाते नहीं, उसके बाद आ जाएगी नवरात्रि, नवरात्रि में हम खाते नहीं, यानी कि आज के बाद हम दशहरा के बाद ही खा पाएंगे। तो इसलिए मैंने बहुत सारी नॉन वेज की चीज़ें मंगाई हैं, फिश, चिकन, ये सब। पता, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पर मैं कैसे खाऊंगी यार, मेरा तो नॉनवेज अभी 3 दिन के डेट तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैना बनाएगी। इसीलिए कोफ्ते बनाए, मुझे पता था कि आप लोग एक तरफ से नॉनवेज खाओगे मैं मुंह देखूंगी, इसलिए गाइस मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए। मैंने दिखाया है ना कोफ्ता बनाया तुमने, मैंने तो खाना खाना। हमारा टाइम हो गया टीटी खेलने का,
शाम के टाइम हम दोनों टीटी खेलते हैं, तो चलो मैंने बॉल भी रेडी रखा है। ये देखिए मैं ये पहले से सजा के मैंने रख दिया। ये हरियाली फिश टिक्का है, ऐसा रेडीमेड मसाला मिक्स आता है लीसियस पे, अगर आपका लीसियस आता हो तो। ये चिकन विंग्स है, ये भी मसाला मिक्स है, इसको बस कुक करना है। और ये अमृतसरी फिश है, ये भी मिक्स है मसाला, इन सबको अब पकाएंगे तो इजी हो जाता है बहुत। बाहर से बना बनाया लेने से अच्छा ये मसाला वाला ले लो, लीसियस का आता है, अच्छा बनाते हैं, अच्छा रहता है टेस्ट। तो अभी इसको बनाएंगे। सबसे पहले हरियाली फिश टिक्का, नेक्स्ट इज चिकन विंग्स, अब बनाएंगे अमृतसरी फिश। इसको ज़्यादा तेल में, इसको एक्चुअली सैलो फ्राई करना होता है पकौड़ी की तरह। तो ये बन गया चिकन विंग्स, ये बन गया अमृतसरी फिश टिक्का, और ये बन गया मेरा हरियाली फिश टिक्का। ये देखिए टिश्यू पेपर पे रखने से तेल एब्जॉर्ब हो गया, देखिए पीला पीला दिख रहा है ना पूरा। अभी इसको हम इंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है सेकंड डे, मेरा ब्लॉग दो दिन खिंच रहा है, अभी मैं फिर से धीरे धीरे एक दिन में ले आऊँगा। तो पर दो दिन में मेरा रेगुलर आ रहा है, कुछ दिनों में आपको डेली दिखेगा। और आज नाश्ते में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आज नाश्ते में है हमारा फेवरेट, आपको समझ तो गया ही होगा, उत्तपम, डोसा, दूध रोटी, जूस, बादाम, बहुत कुछ है नाश्ते में। अभी हम लोग नाश्ता एंजॉय करने जा रहे हैं। मेरे पापा को, और किरण जो है वीडियो पब्लिश कर रही थी, सच समझ के बैठ गई है सुबह सुबह। गाइस मैंने पापा को कहा था कि मेरे को दूध रोटी नहीं खाना, उत्तपम खाना, ये सुनते खाना पड़ेगा बेटा, तुम्हारा वेट बढ़ाना है ना। वेट तो बढ़ ही गया, तो बढ़ रहा है क्योंकि अब मैं दूध रोटी खिलाना चालू किया हूँ। 23.1 ज्यादा है, एक कम है। और ये पीछे इतने सारे चद्दर इसलिए इकट्ठे है क्योंकि वो लपेट के ऐसे रख दिया गया, अभी उसको फोल्ड किया जाएगा। तो चलो हम नाश्ता इंजॉय करते। अभी मैं आ गया हूँ अनिका के रूम में गाना सुनने के लिए, और अनिका गाना सुनाने के लिए तैयार होके बैठी भी है, मैं दिखाता हूँ। तो कौन सा गाना सुनाने वाली हो आज? स्कार्स टू योर ब्यूटीफुल। कौन सा? टू ब्यूटीफुल, स्कार्स टू योर ब्यूटीफुल। अच्छा, मैंने तो कभी सुना नहीं, पर सुना दो, सुन के पता चलेगा। She just wants to be beautiful, she goes. And naughty she goes, no limit. She craves attention. She praises anime. She praises to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we have made her blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change the stars. No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful. Oh, 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 oh. And you don't have to change a thing, the world could change its hearts. No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful. Okay. हाँ. Okay. मैंने तो ये गाना कभी नहीं सुना था,
आपने सुना हो तो बताइएगा कमेंट करके। तो इस ब्लॉग को मैं इसी गाने के साथ ख़त्म करता हूँ, जैसा कि एज यूजुअल हम करते हैं, अनिका के गाने के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। जिस दिन अनिका नहीं गाना गाती उस दिन ऐसे ही बाय बाय बोल देते हैं। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पर जाने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन भी दबाना है, और क्या करना है सबसे इम्पोर्टेंट, खुश रहना है, सबको खुश रखना है, खाते रहना है, खिलाते रहना है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलेंगे कल फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।